दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको सौंठ के लड्डू बनाना बताऊंगी। मेरे कान्हा जी को बहुत पसंद है और शीत में सभी लोग लड्डू खाते हैं, हर सीजन में खाते हैं। ये ड्राई फ्रूट हैं। हम ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से साफ करके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं और भूनने की तैयारी। ये भूनने के लिए हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। सबसे पहले हम काजू भून रहे हैं। काजू को भून करके हम काटेंगे, क्योंकि पहले से काट कर भूनते तो वो जल जाता, इसलिए हम उसको पहले भून लेंगे। और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और बादाम भी भून लेंगे। बादाम को भी अच्छी तरह से हल्के से कुरकुरा होते तक भूनना है। अब बादाम भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और रख लेंगे। इसी प्रकार से हम और भी ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। इसके बाद हम खारे को भी भून लेंगे। खारे को भी अच्छे से थोड़ा सा कुरकुरा होते तक भूनना है। ये सौंठ के लड्डू हैं, हर सीजन में खाए जाते हैं। जब भी कभी शीत होती है या कभी खाने का मन करे तो हम बनाकर घर पे खा सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और हम इसमें नारियल को भून लेंगे। हमने सेगा नारियल दुकान से लिया था, उसी को खोपरा कहते हैं। तो हम सूखा हुआ नारियल लिए थे, क्योंकि लड्डू के लिए सूखे नारियल ही डालना चाहिए। उसी में थोड़ा सा हम काजू भी डाल दिए हैं, क्योंकि काजू को ज़्यादा नहीं भूनना है। नारियल भी भून चुका है। फिर थोड़ा सा घी डाल के मखाने को भी भून लेंगे। इसको भी हल्का कुरकुरा होते हुए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वा लगने लगेगा। अब इसको अच्छी तरह से भून कर निकाल लेना है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी साझा करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अब हम गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और एक बर्तन में सौंठ और हल्दी भी रख लिए हैं। हल्दी और सौंठ हम घर में बनाकर रखे हैं, मार्केट की नहीं है। धूप में सुखाकर तोड़कर हम अच्छी तरह से उनको मिक्सी में पीसकर रख लिए हैं, क्योंकि घर की सौंठ बनी हुई अच्छी लगती है। और 3 चम्मच घी डालकर इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हम बारीक बारीक टुकड़े में पहले से कर लिए थे साफ करके, और अच्छी तरह से चलाते हुए हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। पूरा गुड़ गर्म हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ भी तोड़ लेना है, नहीं तो ये लड्डू में बीच बीच में गुठलियाँ बन जाएगी। हम घर के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर लेंगे। किसी को सूखा गुड़ पसंद रहता है, किसी को मिक्स। तो बनाने के बाद ये लड्डू खुद ही सूख जाते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। सौंठ के लड्डू ठंड और बरसात में सभी लोगों को खाना चाहिए। गर्मी में नहीं खाते हैं, क्योंकि ये तासीर से बहुत गर्म होते हैं, तो गर्मी में नुकसान करते हैं, इसलिए गर्मी में नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे सौंठ के लड्डू बन गए हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम इसमें कलौंजी के बीज और गोंद नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। अब इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा ले करके गरम गरम लड्डू हमको बनाना है। हाथ में घी लगा लें और लड्डू को बनाएं। इस प्रकार से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। धन्यवाद।